में बेटा सबसे आपको न्यूज देना चाह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी सिर्फ जस्ट दस पंद्रह मिनट पहले की नस ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करा है और नस के नेट वन नेट टू नेट थ्री नेट फोर तमाम नेट्स के अंदर चाहे आप प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है चाहे प्री मेडिकल का बच्चा है चाहे कंप्यूटर साइंस का बच्चा है आप अगर नस्ट का इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो अगर आप नस्ट का इंजीनियरिंग का टेस्ट देना चाह रहे हो तो अब से आपके पेपर के अंदर ना तो आईक्यू का पोर्शन आएगा और ना ही आपके पेपर के अंदर केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन आएगा ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग अब से नस्ट का टेस्ट के अंदर सिर्फ फिफ्टी मैथमेटिक्स आएगी इसका सिंपल मतलब यह सौ मार्क्स का पेपर होगा अल्लाह भला करें मैथ्स का फिजिक्स का सिक्सटी मार्क्स का पेपर होगा और इंग्लिश का ट्वेंटी मार्क्स का पेपर होगा सही है ना यानी

यानी कि इंग्लिश आपके पास तकरीबन 40 की उसकी आ रही होगी तो इंग्लिश का वेटेज क्या हो गया भैया ज़्यादा हो गया तैयारी नहीं करनी अब आपके पास मैक्सिमम टाइम है अच्छी तैयारी करने का सिमिलरली नस बिजनेस स्कूल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द एक नई पेलिस लेकर आ रहा हूं मगर मैंने जो अभी डाली हुई है वो भी मोर देन इनफ उससे भी तैयारी कर सकते हो तो आपके

इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है सीक्वेंस सीरीज है प्रोबेबिलिटी है कम्बिनेशन परम्यूटेशन है कैलकुलस के अंदर लिमिट्स है डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्लोप्स है स्ट्रेट लाइन है कॉनिक्स के अंदर सर्कल हाइपरबोला एलिप्स है इन टॉपिक्स की तैयारी لازمی طور पे करें हमेशा याद रखिएगा बेटा कि नस्ट नेट वन के अंदर मेजोरिटी कोर्स कंटेंट फर्स्ट ईयर का होता है ज्यादा मेजोरिटी कोर्स कंटेंट तो कोशिश करें कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट अप करें बाइनोमियल थ्योरम को कवर कर सकते हैं तो बिल्कुल कवर कर ले मेरी बाइनोमियल थ्योरम की वन शॉट गिवेन होंगे उनको कवर अप कर लीजिए बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन बहुत आ जाता है पेपर के अंदर लास्ट के तीन नेट से मैं बहुत देख रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम को आर्गुमेंट का क्वेश्चन बहुत आएगा डाइवर्जेंट सीरीज का कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर पूछा जाता है उसको कवर अप कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स है इसके अलावा अगर आप मेरे पेड पेज के अंदर एनोल्ड

है यहाँ पे आप कवर अप कर लो अच्छा मैथ्स के लिए भाई किताबों की नीड नहीं पड़ती मैथ्स के लिए किताबों के की नीड नहीं पड़ती किप्स की किताब मोर देन इनफ है अदरवाइज जो मेरी किताब है जो बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपने पेड बैच के बच्चों को प्रोवाइड कर रहा तो उनको वो भी मोर देन इनफ है उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स टॉपिकल सारे के सारे गिवन होंगे इसके अलावा बेसिक मैथ्स जो बच्चे नज बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा मेरी जो प्ले है ना उसको कवर अप कर लो मोर देन इनफ है मेरी नज बिजनेस स्कूल के ऊपर जो प्ले है उसको कवर अप कर लो टॉप पर क्या होगी इतनी गारंटी देता हूं आपको एल्जेब्रा है वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है सेट्स है मैट्रिक्स

आवा, मैं इनशाला नवंबर के अंदर एक और प्लेलिस्ट का आगाज कर रहा हूं वो प्लेलिस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेस स्कूल्स के लिए होगी डिजिटल सेट के लिए होगी वो भी बहुत जल्द आ रही होगी इंग्लिश के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं बेटा ये सारे के सारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं इसके अलावा मेरी जो आईबीए वाली इंग्लिश की सीरीज है उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं जो आईबीए वाली इंग्लिश के लेक्चर सीरीज है उसको भी कवर अप कर सकते हैं मगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात बायोलॉजी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई दबे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब से नस्ट इंजीनियरिंग के टेस्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शन आएगा सिर्फ मैथ्स का आएगा फिजिक्स का आएगा और आपके पास इंग्लिश का आएगा यानी कि अब आपके लिए काम ज्यादा आसान है भाई आपके लिए फायदे की चीज है दो सब्जेक्ट्स हट गए अब मैथ्स के अंदर आएगा हंड्रेड नंबर का हंड्रेड सी बात है कुछ आसान होंगे कुछ डिफिकल्ट होंगे मगर अगेन कोई मुश्किल बात नहीं है फिजिक्स के अंदर सिक्सटी एमसीक्यूज आएंगे पहले भी सिक्सटी तकरीबन आ रहे थे इंग्लिश के अंदर कितने आएंगे बेटा इंग्लिश के अंदर आपके फोर्टी एमसीक्यूज आएंगे तो इंग्लिश का वेटेज क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो ये न्यू अपडेट थी अभी अभी आई है की वेबसाइट के ऊपर की वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं मैंने आपको की वेबसाइट भी थी स्टार्टिंग के अंदर आप चाहते हैं कि आपकी नस की तैयारी बहुत अच्छी हो तो बेटा मेरा नस का नेट वन का बैज है उसको ज्वाइन टॉपर सारे अवेलेबल रहे हैं नस के नेट फोर के टॉपर अब्दुल रहमान फैसल थे आई, आई के टॉपर थे तो इस बैच की सबसे खास बात यह के सेवन थाउजेंड रुपीज फीस के अंदर ना सिर्फ आपकी नेट वन की तैयारी होगी नेट टू नेट थ्री नेट फोर की तैयारी भी शामिल होगी इसके अलावा पाकिस्तान की टॉप ट्वेंटी फाइव यूनिवर्सिटी की तैयारी इस बैच में शामिल होती है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए ऊपर आपके पास व्हाट्सएप का यहां पे पर्टिकुलरली लिंक आ रहा होगा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स देने के लिए जजाक अल्लाह थैंक यू सो मच हाशनगा